अद्भुत, अविश्वसनीय और रोमांच से भरा सफर, जहां हर कदम जिंदगी पर हर वक्त मंडराता रहता है मौत का खतरा, लेकिन लोग फिर भी जोखिम उठाकर करते हैं सफर। प्रकृति और इंसानी दिमाग की एक ऐसी आविष्कारी उपज जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। आपने कभी बादलों या समुद्र पर चलती हुई रेल देखी है, या फिर इतनी ऊंचाई पर जहां चढ़ पाना बेहद ही मुश्किल हो? सुनने में बेहद ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इन ट्रेनों का सफर जितना मजेदार है उतना ही खौफनाक भी। जी हां दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां आपको इस तरह के रेलवे ट्रैक देखने को मिलेंगे। बेमिसाल इंजीनियरिंग कला की जीती जागती मिसाल है ये रेलवे ट्रैक्स, जहां एक तरफ कुदरत की रचना हमें प्रकृति में देखने को मिलती है, वहीं इंसान की संरचना हमें इन नायाब नमूनों में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के बेहद खतरनाक रेलवे ट्रैक से रूबरू कराएंगे, जिन्हें बनाकर इंसान ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। कुराना सैनिक रेल रोड, ऑस्ट्रेलिया। ये रेल ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में बेरिंग्रास नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। इसका निर्माण 1882 से 1891 के बीच हुआ, जो 34 किलोमीटर लंबी है। इसकी खासियत ये है कि इस ट्रैक के पास एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। जब ट्रेन ट्रैक से गुजरती है तो झरने का पानी यात्रियों को भिगो देता है। इस सफर के दौरान लोगों में रोमांच के साथ साथ डर भी बना रहता है, क्योंकि ट्रेन के आसपास से नजारा बेहद ही डरावना दिखाई देता है। इस रास्ते पर कई झरने, तीखे मोड़ और गहरी खाइयां हैं। ट्रेन एलेस न्यूब्स, अर्जेंटीना। एल्डीज पर्वतों से होते हुए ये रेलवे ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से चिली की सीमा तक जाता है। इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। 27 साल की मेहनत के बाद ये रेल रूट 1948 में बनकर तैयार हुआ। 4220 मीटर की ऊंचाई पर काम करना इंजीनियर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। जिगजैग आकार में बने इस रूट पर 29 पुल और 21 सुरंगें हैं, जो इस यात्रा को रोमांचित बनाती हैं। डेविल्स नोज, इक्वेडर। एंडीज पर्वतमाला के अलौसी और सिम्बाबे के बीच 12 किलोमीटर लंबा ये रेल ट्रैक सांसें फुला देता है। 1902 में बनाया गया ये ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर है, जो इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। कहा जाता है कि इसके निर्माण के दौरान कई सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुछ जगह पर ये ट्रेन एकदम से तीखी ऊंचाई पर चढ़ती है और एकदम से नीचाई से उतर भी जाती है। इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक वाला ट्रैक इसलिए कहा जाता है। आउटनिकुआ, साउथ अफ्रीका। ये रेल ट्रैक दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये ट्रेन बहती हुई नदी के ऊपर से होते हुए कई सैकड़ों रास्तों से गुजर कर ऑटेनिकुआ ट्रांसपोर्ट म्यूजियम तक का सफर करती है। इस सफर के दौरान लोग अपनी आंखें तक बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रैक बेहद ही ऊंचाई पर स्थित है। एर्गोगिडी ट्रेन रेल रोड, इंडोनेशिया। ये रेलवे ट्रैक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, जो घाटियों और नदियों से होकर गुजरता है। इस ट्रैक के नीचे चारों तरफ काफी हरियाली फैली हुई है, जिसका नजारा एक ट्रैक की ऊंचाई से और भी खूबसूरत हो जाता है। आपको बता दें कि साल 2002 में इस रूट पर बेहद ही खतरनाक हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतरकर गिर गई थी, लेकिन इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। दो पहाड़ों से गुजरते हुए इस ट्रैक को अमेरिका के कोलोराडो में बनाया गया है। इसकी लंबाई 7.2 किलोमीटर है। इस रेल ट्रैक का निर्माण 1877 में किया गया था। इस रूट पर 640 फुट की खड़ी चढ़ाई है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैकों में गिना जाता है। तीखे मोड़ों और पुलों पर ये ट्रेन बेहद ही धीरे और सावधानी से गुजरती है। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अलास्का, यूएसए। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई करीबन 80 किलोमीटर है। ये अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण साल 1900 में हुआ था। इस रेलवे ट्रैक के जहां एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ चट्टाने हैं। ये रेलवे ट्रैक
बर्फीले इलाकों से होकर गुजरता है, जो यात्रियों को बेहद ही रोमांचित करता है। कॉम्ब्रेस एंड टॉलटेक सैनिक रेल रोड, न्यू मैक्सिको। ये खतरनाक ट्रैक करीब 80 किलोमीटर लंबा है। अमेरिका के नई मैक्सिको प्रांत की ये रेलवे लाइन बेहद ही पुरानी और सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। इसका निर्माण 1880 में हुआ था। ट्रेन की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण आज भी ट्रेनों को कोयले और भाप इंजन से चलाया जाता है। इस ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि कोई भी हादसा होने पर जान बच पाना नामुमकिन है। चेन्नई रामेश्वरम रूट, इंडिया। न सिर्फ विदेशों में बल्कि हमारे देश भारत में भी इंजीनियर्स ने इस रेल ट्रैक को बनाकर दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया है। समुद्र पर बना 2.06 किलोमीटर लंबा पुल चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। 1914 में बनाया गया ये पुल बीच में खुलता भी है, जहां से जहाज होकर गुजरते हैं। कंक्रीट से बने 45 पिलर पर टिका ये रेलवे ट्रैक समुद्री लहरों को झेलता है और कई बार इस पर समुद्री तूफान का भी खतरा बना रहता है। रोमांच से भरी ये दुनिया इंसान की कला से अछूती नहीं है। जहां प्रकृति की नायाब रचना हमें देखने को मिलती है, वहीं साथ ही इंसान की कलाकारी के नमूने भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल द मिस्टिका लैंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।